बंगाल की किम जोंग उन है ममता जो विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करती। नमस्कार, मैं आपके साथ निशा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज हॉकर्स। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गुरुवार को जोरदार हमला बोला। गिरिराज सिंह ने ममता की तुलना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की। उनका कहना है कि जिस तरह किम जोंग विपक्ष को बर्दाश्त नहीं करते, ठीक इसी तरह बंगाल में ममता बनर्जी विपक्ष को बर्दाश्त नहीं कर पाती। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई ज्यादती के मुद्दे पर बंगाल सरकार को घेरते हुए उन्होंने आगे कहा कि आज वो लोग जो बंगाल की बेटी के साथ हुए अत्याचार पर बंगाल में दिखाई नहीं देते हैं, वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग यानी ममता बनर्जी के साथ दिखाई देती हैं। बंगाल में ममता बनर्जी अब हार चुकी हैं और अपनी लोकप्रियता खो चुकी हैं, इसीलिए वो असंवैधानिक बातें बोल रही हैं, संघीय ढांचे को तोड़ रही हैं। उनके समर्थन में राहुल गांधी और लालू यादव खड़े हैं। गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी की भाषा पर भी आपत्ति जताई और कहा कि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है, ये जुबान लोकतांत्रिक व्यक्ति की नहीं हो सकती है क्योंकि वो मुख्यमंत्री है। उनका बर्ताव नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से जैसा मिलता जुलता है। जैसे वो अपने विपक्ष को पसंद नहीं करते, वैसे ही ममता बनर्जी भी विपक्ष को पसंद नहीं करती है। बता दे, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में आज देश भर में आक्रोश है। बीते दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये विवादित बयान दिया था। उनका कहना था कि याद रखें, अगर बंगाल जलेगा तो असम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। ममता के इस बयान पर भाजपा ने सख्त एतराज जताया है। ममता बनर्जी के इस बयान पर भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बुधवार को चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर चिंता जताई है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के स्टेटमेंट में राज्य में अशांति की आशंका जताई। वहीं ममता के बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने भी एतराज जताया था। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, दीदी आपकी हिम्मत कैसे हुई असम को धमकाने की, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी असफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बंगाल में लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बीते दिनों भाजपा ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जिसमें भाजपा के कई नेताओं को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया था। दरअसल ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी निशाना साधा है। पूनावाला ने कहा, ममता बनर्जी पीड़िता को न्याय दिलवाने की बात नहीं कर रही है, बल्कि उनकी प्राथमिकता बदला लेने की है। वो संविधान विरोधी बयान दे रही है और राहुल गांधी जो संविधान के प्रति लेकर घूमते हैं, इस तरह पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा, जब एक सीएम कहती है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पूर्वोत्तर और उड़ीसा जल जाएगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्या अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, आप या गौरव गोगोई इस बयान का समर्थन करते हैं? क्या न्याय मांगने वाले लोग अशांति पैदा कर रहे हैं? जब ममता बनर्जी कहती है कि न्याय मांगना अशांति पैदा करने जैसा है, तो ये प्रदर्शनकारियों और डॉक्टर्स का अपमान है। लेकिन आप इन सभी के बीच ममता बनर्जी का बयान भी अब सामने आया है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर, न्याय की मांग को लेकर सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके इस आंदोलन पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि एक एफआईआर उनके पूरे भविष्य को बर्बाद कर सकती है। अब विपक्ष का आरोप है कि सीएम ममता बनर्जी छात्रों को ऐसे करके डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने भाषण को लेकर सफाई देते हुए ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अब लिखा है, मुझे कुछ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में एक दुष्प्रचार अभियान का पता चला है, जो कल हमारे छात्रों के कार्यक्रम में द्वारा दिए गए मेरे भाषण को लेकर फैलाया गया है। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि मैंने छात्रों या उनके आंदोलन के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैं उनके आंदोलन का समर्थन करती हूँ क्योंकि उनका आंदोलन सच्चा है। मैं उन्हें कभी भी धमका नहीं सकती, जैसे कि कुछ लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ये आरोप पूरी तरह से गलत है।